आप रसगुल्ले तो बनाते ही होंगे। अगर आप कढ़ाई में बनाते हैं तो आपके रसगुल्ले ढक्कन लगाने के बाद रसगुल्ले फूल जाते हैं, ढक्कन हटाते ही रसगुल्ले फूले हुए रसगुल्ले वापस छोटे हो जाते हैं, उनमें से हवा निकल जाती है। अगर आप कुकर में बनाते हो रसगुल्ले तो बनने के बाद रसगुल्ले एकदम से गीले गीले हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम इस वीडियो में देखेंगे और साथ में ही कलरफुल रसगुल्ले बनाएंगे। व्हाइट कलर के रसगुल्ले तो आप सभी बनाते होंगे, आज हम कलरफुल रसगुल्ले बनाएंगे। नमस्ते, कमला फूड पार्किंग में आपका स्वागत है। रसगुल्ले बनाने के लिए ये मैंने 2 कटोरी दूध लिया है, ये फुल क्रीम वाला दूध है, ये 1 कटोरी से कम यानी कि 1/4 कटोरी शक्कर ली है, और ये मैंने 3 फूड कलर लिया है, ग्रीन है, ये येल्लो है, और ये रेड है, और ये नींबू नींबू का रस लिया है। इसमें मैंने पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया है, और ये पानी है रसगुल्ले बनाने के लिए। सबसे पहले हम दूध को उबाल लेंगे। ये देखिए हमारे दूध में उबाल आ गया है, गैस बंद कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर कम हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं इस दूध को। अब हम इसमें नींबू का रस डालेंगे, जितना ज़रूरत होगा उतना डालेंगे। ये देखिए दूध फट गया है, अब इसको छान लेंगे। इसको ज़्यादा देर इसमें ना रखें, ये पानी और ये छेना दोनों मिक्स ना रखें, ये तो हार्ड हो जाएगा, कड़क हो जाएगा। इसको एक बार निचोड़ लेंगे। अब इसको हम 2 ग्लास पानी से इस छेने को धो लेंगे। ताकि इसका खट्टापन निकल जाए। अब हम इसको फिर से कट्ठा निचोड़ लेंगे और सारा पानी निकाल लेंगे। ये देखिए हमने निचोड़ के सारा पानी निकाल दिया है। ये कॉटन का कपड़ा है और कपड़ा हमेशा मजबूत ही ले, नहीं तो अगर हल्का कपड़ा हुआ तो आपका छेना सारा कपड़ा फट के बाहर निकल आएगा, और ये जो यहाँ पे चिपका हुआ है इसे खुरच के निकाल लेंगे। अब हम इस छेने को 5 मिनट तक ऐसे मैश कर करके चिकना बनाएंगे। हमें इसको इतना मैश करना है कि हाथों पे घी आने लग जाए। ये देखिए मेरे हाथों पे घी आने लग गया है। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, पहले अब चाशनी बनाने का काम करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो शक्कर ली है इसको 4 हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि हम 4 कलर के रसगुल्ले बनाएंगे इसलिए। और एक हिस्से की शक्कर हम कुकर में एक हिस्से से भी थोड़ी कम यानी कि इतनी सी शक्कर हम कुकर में डाल के चाशनी बनाएंगे। ये हमने 4 हिस्से किए, अब इस चौथे हिस्से का आधा शक्कर कुकर में डालेंगे और एक हिस्सा रहने देंगे। ये हमारे चौथे हिस्से का एक हिस्से की शक्कर। अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि हमारे रसगुल्ले डूब जाएं। ये देखिए मैंने इतना पानी डाला है, इसमें रसगुल्ले आसानी से डूब जाएंगे और ऊपर तैरने लगेंगे। अब इसको गैस पे चढ़ा देती हूँ। हमारी चाशनी बनती है तब तक इस छेने के 4 हिस्से कर लेंगे बराबर बराबर। इन 4 हिस्सों में अलग अलग कलर मिक्स कर देंगे। इसमें मैं ग्रीन कलर मिक्स कर देती हूँ। और इसको
अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको आधे मिनट तक ऐसे मैश किया है तब जाके, और ये इतना डार्क डार्क ही ले ये, क्योंकि ये चाशनी में जाने के बाद ये वापस इसमें से कलर निकलेगा इसलिए। अब हम इसका सर्कल बना लेंगे, गोला बना लेंगे, अच्छा चिकना बनाए गोला। ये देखिए हमारे शक्कर का पानी उबल रहा है, मैं अब इसमें ये डाल देती हूँ और ढक्कन बंद कर देती हूँ। ये ढक्कन लगा दिया है, एक सीटी लेंगे, और इसको गैस को स्लो कर देंगे और 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए अब ऐसा लग रहा है कि सीटी बजेगी, इससे पहले ही मैं गैस बंद कर देती हूँ। 4-5 मिनट हो गए हैं और 20 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये अपने आप में इसको ठंडा होने देंगे, इसका इसको सीटी को ऊपर करके भाप नहीं निकालेंगे। तब तक हम दूसरा रेडी कर देते हैं। ये मैंने दूसरा लिया है, ये मैं इसमें ये वाला कलर डाल रही हूँ, और इसको ध्यान रहे इसको ज़्यादा ना मले, ज़्यादा घी निकलने लग गया तो फिर आपका रसगुल्ले का बोल बनेगा नहीं, इसलिए हल्का ही मले। हाँ, और मैं आपको एक एक रसगुल्ला ही बता रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत सारे बने हुए पहले से ही पड़े हुए हैं इसलिए। ये देखिए मैंने ज़्यादा नहीं मला है, इसको भी सेम वैसे ही कर लेंगे। अब हम ये रेड कलर का ले लेंगे, इसको भी ऐसे ही बना लेंगे। हमारे ये दो तो बन गए, अब वाइट कलर का बनाएंगे। वाइट कलर में कोई कलर मिक्स नहीं करेंगे। ये देखिए हमने तीनों सर्कल भी वैसे ही बना दिए हैं, तीनों गोले। ये देखिए मेरा कुकर ठंडा हो गया है, अभी मैं इसका ढक्कन खोल लेती हूँ। ये देखिए मैंने कुकर का सारा पानी इसमें निकाल दिया है और ये थोड़ा सा पानी बचा है इसमें, जो हमने बचा के रखी थी शक्कर वो डाल दूंगी, और इसको गैस पे गला दूंगी। ये देखिए शक्कर तो गल गई है पर हमें इसकी थोड़ी सी चाशनी बनानी है, तो ये ऐसे चिप चिप करेगी। हमारी चाशनी रेडी है, अभी नहीं कर रही है। ये देखिए अब चिप चिप कर रहा है, इसको 2 या 3 मिनट पकाना है। गैस को फास्ट ही रहने दे, अब मैं गैस को बंद कर रही हूँ। ये देखिए हमने 4 बोल बनाए थे तो हमारे फर्स्ट वाली प्रॉब्लम थी पानी में, पानी ढक्कन हटाने के बाद रसगुल्लों से हवा निकल जाती है पर इसमें से हवा नहीं निकली। ये देखिए ये चारों एक जैसे बनाए थे, ये छोटे हैं और ये फूल के बड़ा हो गया। दूसरी प्रॉब्लम ये थी हमारी, ये गीले गीले हो जाते ऐसे कुकर से निकालने के बाद, तो ये अभी गीला गीला है। इसको एकदम से 1 घंटे भर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ना है। जो हमने कुकर में अभी चाशनी बनाई थी वो डाल देंगे और वो पहले वाला पानी निकाल दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए इसके हाथ नहीं लगाना है और इसको ऐसे ही रहने देना है। अब हम बाकी के दूसरे रसगुल्ले भी बना लेते हैं। इसमें से हमने जो ये अलग से पानी निकाला था वो डाल देती हूँ। और इस पानी को उबलने दूंगी। और हमने ये जो 4 हिस्से की शक्कर रखी थी, एक हिस्सा
और आधा हिस्सा इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा पानी और डाल देती हूँ। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि रसगुल्ले नीचे लगे ना और ऊपर तैरते रहें। ये देखिए हमारा पानी उबल रहा है, अब मैं ये तीनों सर्कल इसमें डाल देती हूँ, तीनों गोले, और ढक्कन बंद कर देती हूँ। इसकी भी एक सीटी लेंगे। ये फर्स्ट में हमने ग्रीन कलर का एक रसगुल्ला इसलिए बनाया कि आपको दिखाना था कि ये गीला क्यों हो जाता है। ये तीनों बन के रेडी होंगे तब तक हमारा इसमें आधा एक घंटा हो जाएगा, तब तक आपका ये रसगुल्ला थोड़ा सा कड़क हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा हमारा ये रसगुल्ला। ये बच गई है, अब गैस स्लो कर दूंगी और 4-5 मिनट ऐसे ही होने दूंगी। ये देखिए 4-5 मिनट हो गए हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सीटी बच जाएगी, इससे पहले मैं गैस बंद कर दूंगी हूँ। और अब इसको, ये बज गई, अब इसको अच्छे से ठंडा होने दूंगी। ये देखिए हमारा कुकर ठंडा हो गया है, ढक्कन निकाल लेंगे। ये देखिए हमारे ये वाले रसगुल्ले भी फूल गए हैं। अब हम, मैंने ये सारा पानी निकाल लिया है और कुकर में थोड़ा सा पानी बचा के रखा है। अब हम बची हुई शक्कर इस पानी में डाल देंगे और इसकी चाशनी बना लेंगे, जैसे रसगुल्लों की चाशनी होती है वैसी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि हमारे ये रसगुल्ले हमने कुकर में बनाए थे ढक्कन लगा के, तो हमारे रसगुल्ले फूल गए हैं, बाहर निकालने के बाद भी इनसे हवा नहीं निकली है। और ये गरम गरम है हल्के से, तो ये देखिए ये बहुत गीले हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हमारे रसगुल्ले बिगड़ गए हों, ऐसे गीले गीले हैं। ये फर्स्ट वाला रसगुल्ला था वो भी सेम ऐसा ही था, पर इस रसगुल्ले को देखिए ये ठंडा हो गया है, तो ये एकदम से टाइट हो गया है, ये देखिए। और इसको वापस पानी में डालेंगे तो ये फूल गया है, ये हल्का कड़क हो गया है। अब इन रसगुल्लों को 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारे रसगुल्ले अच्छे से रेडी हो जाए। हमारी सेकेंड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ये कड़क हो गया है और फ्रिज में रखने के बाद बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये देखिए शुगर सिरप तैयार है। ये वाली भी वैसे ही बनानी है जैसी फर्स्ट में बनाई थी। ये देखिए चिपचिप कर रहा है। और अब ये रसगुल्ले हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छा सा ठंडा होने देंगे। और ये वाला पानी आप चाहे तो रहने दें, जब भी दोबारा रसगुल्ले बनाएं तब काम आ सकता है। और ये वाले ठंडे होते हैं तब तक मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। एक बार मैं आपको फिर बता रही हूँ, ये बहुत गीले हैं पर आप डरिए मत, ये ठंडे होने के बाद एकदम कड़क हो जाएंगे। ये देखिए हमारे रंग बिरंगे रसगुल्ले तैयार हैं। ये देखिए ठंडा होने के बाद ये कितना हार्ड हो गया है, ये देखिए, और अंदर से बहुत स्पंजी है क्योंकि ये फूला हुआ है। अगर आपको वाइट कलर का रसगुल्ला एकदम वाइट चाहिए तो आपको अलग से बनाना पड़ेगा, इनके साथ नहीं बनाना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने आप एक बार रंग बिरंगे रसगुल्ले ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। और सब्सक्राइब करें।